रेखा की देवरानी और जेठानी सब साथ में ही रहती थी। सभी के मिलाकर कुल 8 बच्चे थे। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन बच्चे जैसे ही जवानी में कदम रखते हैं, रेखा के घर का माहौल ही बदल जाता है। देखिए दीदी, माना कि आप बड़ी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी रिया मेरे काजल के कपड़े पहन पहन कर कॉलेज जाए। अरे एक ही कॉलेज है, सब कॉलेज में काजल को कहते हैं कि देखो दोनों बहनें एक ही कपड़ा बदल बदल कर पहनती हैं। अरे मैं क्या बोलूं, बात ही नहीं मानती। कितनी बार बोला है उसे अपने कपड़े पहना कर, तू ना काजल से बोल दे अपनी अलमारी से ताला लगा दिया करे। दीदी ताले में क्या क्या रखे, आपके किट्टू ने भी तो मेरे लकी की बैट तोड़ दी, अब बोलो उसे भी ताले में रखे। अरे दीदी कुछ तो सिखाया होता अपने बच्चों को कि कैसे दूसरों की चीजों को इस्तेमाल करते हैं। अब तो रेखा को गुस्सा आ ही जाता है। दूसरों की चीजें, अरे जो तेरा पति पढ़ लिख कर कलेक्टर बना है ना, वो मेरे पति को पैसों से। अरे हमने बच्चों को महंगे स्कूल में इसलिए नहीं डाला ताकि देवर को पढ़ा लिखा सके, और आज इतने सालों बाद देवरानी साहिबा दूसरा तीसरा कर रही हैं। यही दिन बाकी रह गया था देखने के लिए। तभी दोनों की बेटियां आ जाती हैं। क्या हो गया माँ, क्यों रो रही हो? तेरे कारण जो तू दूसरों के कपड़े पहनकर घूमती है ना, वो दूसरे आकर तेरी सगी माँ को सुना रहे हैं। क्या है माँ, काजल को तो कोई परेशानी नहीं है, वो भी तो मेरे कपड़े पहनती है। और माँ मैं क्या करूँ, आप मुझे जींस पहनने ही नहीं देती, इसलिए मुझे काजल की पहननी पड़ती है। हाँ और तेरे भाई ने मेरे किट्टू की बैट क्यों तोड़ी, बताओ? ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। शाम को जब तीनों के पति घर आते हैं और खाने की टेबल सज जाती है तो माँ पुलाव लाओ ना जल्दी से। गुल्लू सारे पुलाव खा जाता है। अरे सुन तो, ये पुलाव चाची ने वो किट्टू। तब तक देर हो चुकी थी, सारे के सारे पुलाव गुल्लू के पेट में थे और ये देख कर किट्टू चिल्लाने लगता है। क्या है गुल्लू, शर्म नहीं आती? इतने दिन बाद तो बोल बोल कर घर में पुलाव बने थे। न जाने क्यों सब मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं, कोई उसका पुलाव खा लेता है तो कोई उसका बैट तोड़ देता है। भाभी और सुधा दोनों सुन लो, आप दोनों मिली हुई हो ना, आप लोग नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं। हम नहीं जानते, अरे एक कटोरी पुलाव कौन बनाता है? हाँ हाँ घर में तो जैसे चावलों के बोरे भरे पड़े हैं ना, खाना सबको है लेकिन लाना किसी को नहीं, सब मेरा पति ही लाए। अरे 4 पैसे ज्यादा कमाता है तेरा पति इसलिए लाता है, और ये परिवार है परिवार, यहाँ मेरा तेरा कुछ नहीं होता। 4 पैसे ज्यादा कमाता है तो अपनी मेहनत से कमाता है, किसी का डाका डालकर नहीं लाता, और मेहनत तो कोई भी कर सकता है। तभी वर्षा का पति आ जाता है, हाथ में राशन का ढेर सारा सामान लेकर। भाभी, ओ भाभी, लो सामान, और कुछ चाहिए हो तो लिस्ट व्हाट्सएप कर देना, भाभी को जल्दी से खाने को दे दो ना, भूख लगी है। वर्षा रेखा को देखती है और जैसे बोल रही हो, देखो ज्यादा पति पति करती है ना, ये परिवार है और यहाँ सब एक हैं। मैं लाती हूँ खाना। अरे नहीं नहीं भाभी देंगी, तुम ना मेरे कपड़े पैक कर दो, 2 दिनों के लिए बाहर जाना है। गुल्लो क्या बात है बेटे, बड़े हैंडसम लग रहे हो। पापा मेरे हिस्से के पुलाव जो खा रहा है, हैंडसम ही लगेगा। घर की औरतें देखती रह जाती हैं और सारे बच्चे लड़कर फिर एक हो जाते हैं, लेकिन वर्षा लड़ती ही रह जाती है और सामने से आ रही होती हैं रिया काजल। देख लो वर्षा, तुम्हारी काजल ने मेरी रिया का सूट पहना है, वो भी सबसे महंगे वाला, उसे नहीं बताओगी कि कैसे दूसरों के कपड़े नहीं पहनते हैं? अभी खबर लेती हूँ मैं इसकी। वर्षा कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद, क्या दीदी आप भी वर्षा की टांग खींच रही हैं? लेकिन ये क्या, तभी सुधा का बेटा गुल्लू वर्षा की बेटी काजल के
बाल खींचकर भाग जाता है और वर्षा की बेटी रोते हुए उन लोगों के पास आती है। देखिए ना चाची गुल्लू भैया को, पूरे बाल खराब कर दिए, अभी मुश्किल से ही चोटी बनाई थी। क्या है सुधा, क्यों नहीं गुल्लू को सिखाती हो? किसी के पुलाव खा जाता है, किसी के बाल ही खींच लिए। अरे दीदी, दोनों बड़े बड़े बच्चे हैं, दोनों कॉलेज जाते हैं, कोई छोटे बच्चे थोड़े ना है। ला काजल, तेरी चोटी मैं बना देती हूँ। अरे रहने दे सुधा, कुछ नहीं सिखाया तूने अपने गुल्लू को कि दूसरों की बच्चियों के बाल नहीं खींचते। दूसरों के बच्चे? अरे एक घर में चाचा ताऊ के बच्चे क्या दूसरों के बच्चे होते हैं? अब ये सवाल इस घर में रोज रोज उठाया जाता, बड़े लड़ते तो छोटे अपनी शरारतों से बाज नहीं आते। एक रोज सुधा अपनी देवरानी और जिठानी के साथ बैठी होती है कि तभी बच्चे तैयार होकर कहीं जा रहे होते हैं। अरे गुल्लू कहाँ जा रहा है? और काजल तुम गुल्लू के साथ कहीं नहीं जाओगी? गुल्लू मना किया था ना काजल से बात करने के लिए। क्यों चाची जी, क्यों? भैया मुझसे बात नहीं करेंगे। अरे तुम्हारी मम्मी ने कहा है कि गुल्लू को काजल से बात करने नहीं आती। अच्छा ताई, काजल को एक लड़का तंग कर रहा है, उसने मुझे बताया, मुझे कुछ मानती है तभी ना मुझे अपने साथ ले जा रही है। थोड़ी देर बाद रिया आ जाती है, साथ में होता है किट्टू। रिया किट्टू मोबाइल पर न जाने क्या देखकर बातें कर रहे होते हैं। तभी रेखा बोल पड़ती है, क्या देख रहे हो तुम दोनों? माँ देखो ना, भैया ने कैसे मेरी आईडी जो कि हैक हो गई थी उसे बचा लिया। माँ देखो, अगर भैया मेरी आईडी ठीक नहीं करते तो क्या होता, कोई मेरे फोटोज का मिसयूज भी कर सकता था। रेखा रिया की बात सुनकर चुप हो जाती है। शादी विवाह हो या किसी का कोई फंक्शन, सारे बच्चे एक साथ रहते, लेकिन घर वाले आज तो मैं अपने बच्चों के लिए पानी पूरी बनाऊंगी, बाहर का खाना अब इन लोगों का बिल्कुल बंद, बूढ़े हो रहे हैं लेकिन अकल नहीं है इन लोगों को। तभी वर्षा की बेटी आ जाती है, वो कॉलेज के लिए निकल रही थी। ताई जी माँ कहाँ है? अरे अब मुझे क्या पता तेरी माँ कहाँ है, सारा दिन तो कमरे में बंद रहती है। ताई जी क्या बना रही हैं? मैं भी खाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी माँ सारा दिन कमरे में पलंग तोड़े और मैं सबके लिए खाना बनाऊं। तभी वर्षा आ जाती है। अरे मैं बना दूंगी तेरे लिए, हर बार क्यों मांगती है दूसरों से खाना। रेखा अपने बच्चों के लिए पानी पूरी बना देती है और बच्चे सीधे प्लेट लेकर पहुंच जाते हैं अपने दूसरे भाई बहनों के पास। आओ आओ पानी पूरी खाते हैं। माँ हम कमरे में नहीं, यहाँ हॉल में बैठकर ही खाएंगे। माँ आप भी मदद कर दो ना, वो क्या है ना कि ताई थक जाएंगी अकेले इतना सारा बनाते बनाते। वर्षा रेखा के साथ पानी पूरी बनाने लगती है कि तभी बाहर से फिर से लड़ने की आवाज आने लगती है। अरे मेरे बच्चे तो खैरियत से खाना भी नहीं खा सकते हैं, न जाने लोग अपने बच्चों को तमीज क्यों नहीं सिखाते। 20-20 साल के हो रहे हैं लेकिन अकल रत्ती भर की नहीं है किसी को भी। दोनों बाहर आती हैं तो सभी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। पता है गुल्लू भैया, मेरे कॉलेज में जो नया टीचर आया है ना, वो आपके कॉलेज से आया है, हर बात पर अपनी पुरानी जॉब के बारे में बोलता रहता है। अरे माँ ताई आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? अरे जाओ ना हम लोगों के लिए और पानी पूरी लाओ ना। तीनों देवरानी जिठानी अब साथ में होती हैं, एक दूसरे को देखकर कहती हैं, हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि हम भले ही अपने बच्चों के लिए आपस में लड़ते रहें, लेकिन ये बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ सही बात है, ये सारे भाई बहन एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, हम तो फालतू में ही इन लोगों के लिए लड़ते रहे, ये ना बिना किसी के खा सकते और ना सो सकते हैं।
ये सब एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जरूरी नहीं कि सगा भाई बहन का प्यार प्यार होता है। चाचा ताऊ बुआ मामा के बच्चे भी अपने भाई बहन ही होते हैं, वो दोस्त भी होते हैं और परिवार भी। तभी किट्टू आ जाता है और उसके साथ में होते हैं गुल्लू, रिया और काजल। बिल्कुल सही, हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। अच्छा है कि ये बात आप लोग समझ गए और अब इस घर में कम से कम हम लोगों के लिए तो लड़ाई नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।